जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आज के राशिफल की। आज के राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं, चंद्रमा का गोचर जानते हैं। तो 19 जून को जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा तो क्या परिणाम मिलेंगे, बात करते हैं। सबसे पहली राशि की मेष राशि की। मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और शनि देव का जो गोचर है वो भी इस समय पर कुंभ राशि में ही चल रहा है, एकादश भाव में ही चल रहा है, वहाँ पर चंद्रमा का गोचर भी होगा। आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन मन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें अगर तो प्रेम संबंधों में आज के दिन आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं या फिर प्रपोज करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। आज के दिन आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं यानी कि जिनका मतभेद चल रहा है अपने प्रेमी प्रेमिका से, वो भी आज प्रयास करके देखें, ईमानदारी से प्रयास करें तो उनका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ सकता है यानी आपकी बात वो मान सकता है। वैवाहिक संबंधों में आज के दिन आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, आपके जीवन साथी के, आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बढ़िया देखने को मिलेगा और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आज के दिन संबंध अच्छे रहेंगे। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर आपके संबंधों में आपके साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो वृषभ राशि वालों को आज के दिन प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका का आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर मन खराब हो सकता है यानी तनाव हो सकता है किसी बात को लेकर, इस बात का ध्यान रखकर चलें। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी भी ये तलाश आज के दिन पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो आज के दिन आप मुलाकात करें लेकिन प्रपोज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं यानी प्रेम संबंधों में जिनके मतभेद चल रहे हैं, उनका भी आज के दिन कनेक्टिविटी तो हो सकती है लेकिन बातचीत हो पाएगी यानी कि बातचीत बन पाएगी ऐसा मुश्किल है। वैवाहिक संबंधों की बात करें वृषभ राशि वालों के, तो वैवाहिक संबंधों में आज के दिन आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर आपके संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आपका जीवन साथी आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी, खासकर बुजुर्ग सदस्यों के साथ भी काफ़ी अच्छे से पेश आएगा और आपके वैवाहिक संबंधों में काफ़ी प्रेम भी देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो वहाँ पर भी आज के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध आज के दिन बढ़िया रहेंगे। आज आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या फिर घूमने फिरने जा सकते हैं और वहाँ पर संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखकर चलें। आपकी वाणी के चलते आपके साथी के मन में थोड़ा तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात करने का दिन है, लेकिन आज आप प्रपोज ना करें क्योंकि आज आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा ऐसा मुश्किल है। और जिनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है यानी कोई मनमुटाव चल रहा है तो उनका मनमुटाव आज के दिन दूर हो सकता है, आप प्रयास करके देखें। और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंध मिथुन राशि वालों के आज के दिन अच्छे रहने वाले हैं और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साथी के मन में कुछ गलत फहमियाँ देखने को मिल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो कर्क राशि वालों को आज के दिन बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आज आपके प्रेमी प्रेमिका के मन में काफ़ी तनाव देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी के चलते, आपकी बातों के चलते आपके प्रेमी
प्रेमिका के मन में कुछ तनाव जरूर देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा ऐसा बहुत मुश्किल है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई मन मुटाव चल रहा है तो आप कनेक्टिविटी तो करें, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आप कॉन्टैक्ट तो करें, लेकिन आज आपको सफलता मिल पाएगी यानी आपका साथी मानेगा ऐसा मुश्किल है। वैवाहिक संबंधों में आज के दिन आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से बचें। आज आपके साथी के साथ आपके ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त भी संयम बरतें। और विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो सिंह राशि वालों को प्रेम संबंधों में आज के दिन अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन आपका प्रेमी प्रेमिका गलत फहमियाँ थोड़ी सी मन में ले सकता है। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या डेट पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियाँ बिल्कुल ना पालें। अपने साथी के लिए आप अपने साथी पर पूरा यकीन बनाकर रखें, विश्वास बनाकर रखें और ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आपकी बात वहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं साथी के साथ, उनके मतभेद आज समाप्त हो सकते हैं। पुरानी गलतफहमियों को आप दूर कर सकते हैं, स्पष्टता से दूर करें तो आपकी बात बन सकती है। वैवाहिक संबंध आज के दिन अच्छे रहेंगे, वैवाहिक संबंधों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैवाहिक संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे। आप अपने साथी के साथ ईमानदारी रखें, अगर आप अपने साथी के साथ संबंधों में ईमानदारी नहीं रखेंगे तो आपके साथी को आपकी बातें पता चल सकती हैं और वाद विवाद हो सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो कन्या राशि वालों को प्रेम संबंधों में आज के दिन बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आज छोटी छोटी बातों को लेकर आपका प्रेमी प्रेमिका आपके साथ वाद विवाद कर लेगा, इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं तो आज के दिन टालना ही बेहतर रहेगा, वरना आपका वाद विवाद हो सकता है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों की भी आज के दिन कनेक्टिविटी होती हुई नहीं दिख रही है, यानी कनेक्टिविटी तो हो सकती है लेकिन आपका साथी आपकी बातों को मानेगा ऐसा बहुत ही मुश्किल है। वैवाहिक संबंध कन्या राशि वालों के आज के दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और छोटी छोटी बातों को लेकर आपका जीवन साथी भी आज के दिन आपसे वाद विवाद कर सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर आज के दिन आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में गलतफहमियाँ देखने को मिल सकती हैं, इसलिए वहाँ पर आप बाड़ी पर संयम रखकर बात करें, गलतफहमियाँ बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तुला राशि। तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वालों को प्रेम संबंधों में आज के दिन बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज आपके प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आज आपका साथी आपको बहुत प्रेम करेगा। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, दिन अच्छा है, आप जा सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, मतभेद चल रहे हैं, उनको भी आज प्रयास करके अपने मतभेद समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी गलतफहमियां हैं उनको स्पष्टता से दूर करें तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, यानी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी आज के दिन अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस गलतफहमियों से बचकर रहें, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, वाणी पर संयम रखें। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहां पर आपको आज के दिन उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों में आज के दिन बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ का तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो आज आप अपने परिवार में ज़्यादा समय बिताएंगे और परिवार के कार्यों के चलते हो सकता है कि आपकी मुलाकात ही ना हो, और अगर होती भी है तो बातचीत बनते हुए नहीं दिख रही है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं,
कांटेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी हो जाएगी लेकिन बातचीत आपकी सफल हो पाएगी मुश्किल है, क्योंकि बातचीत होते होते फिर से वाद विवाद हो सकता है आपके साथी के साथ, आपके परिवार के सदस्यों को लेकर। इसलिए कोशिश करें कि आज आप कनेक्टिविटी ना करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैवाहिक संबंध वृश्चिक राशि वालों के अच्छे रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ अगर आपके परिवार के सदस्यों का कोई मतभेद चल रहा था तो वो भी आज अगर आप प्रयास करें तो समाप्त हो सकता है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर इस समय आपका साथी आप पर शक बहुत करेगा और छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे सवाल करेगा, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। धनुराशि, धनुराशि वालों के प्रेम संबंधों में आज के दिन बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साथी के साथ प्रेम संबंधों में आज मधुरता रहेगी। आपका साथी आज आपके साथ कहीं घूमने फिरने की बात कर सकता है या फिर कहीं जा सकता है, वहां पर संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं, अपने साथी को प्रपोज करना चाहते हैं, यानी मित्रवत संबंध हैं और आप उनको प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, दिन अच्छा है, आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग, यानी जिनका अपने साथी के साथ मतभेद चल रहा है, वो भी प्रयास करें तो आज आपके मतभेद दूर हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान आप कर सकते हैं और जा भी सकते हैं तो वहां पर भी संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और विवाह से अलग कोई संबंध अगर हैं तो वहाँ पर गलतफहमियों से बचें, नहीं तो वहाँ पर आपके साथी के साथ गलतफहमियाँ देखी जा सकती हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो मकर राशि वालों के प्रेम संबंध आज के दिन उतने अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपनी वाणी पर आज संयम बहुत रखें, नहीं तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ मानसिक तनाव आपका देखा जा सकता है। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है। आपकी वाणी के चलते आपकी बातें खराब हो जाएंगी। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग भी आज कनेक्टिविटी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज आपके परिवार के सदस्यों को लेकर कोई ना कोई बात या बहस प्रेमी प्रेमिका से हो जाएगी, जो आपका पुराना प्रेमी प्रेमिका था। और आप नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने का प्रयास करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आज प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैवाहिक संबंध आज के दिन आपके अच्छे रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना होगा आपको। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत ही ईमानदारी से बात करनी है, वहाँ पर कोई होशियारी या कोई चालाकी या बाणी पर आप तीखापन लाकर बात करेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध आज के दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में आज के दिन आपको सफलता मिलेगी लेकिन आप अपने मानसिक तनाव से बचें, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखकर चलें। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, वहां पर शनि का गोचर भी है जो कि आपके राशि स्वामी हैं, तो आप अपने ऊपर मानसिक तनाव बिल्कुल हावी ना होने दें। बाकी आपके प्रेम संबंध आज के दिन अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, किसी के साथ मित्रवत संबंध हैं, उसे प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, बातचीत चल रही है, प्रपोज करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, सफलता मिल सकती है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग भी, यानी जिनका मनमुटाव अपने साथी के साथ चल रहा है, तो आप भी प्रयास करके देख सकते हैं, आपकी बातचीत बन सकती है। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन आज आपका जीवन साथी आप पर थोड़ा शक कर सकता है, यानी आपसे काफ़ी ईमानदारी की उम्मीद करेगा। और आपने अगर कोई भी ऐसे कार्य कर रखे हैं जो विवाह से अलग संबंध वगैरह हैं आपके, तो वहां पर आपके साथी से वाद विवाद संभव है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और विवाह से अलग कोई संबंध अगर हैं तो वहाँ पर आपको संबंधों में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है आज के दिन आपके परिवार के सदस्यों को लेकर। मीन राशि, मीन राशि वालों के प्रेम संबंध आज के दिन बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आप अपने साथी से
पाणी पर संयम रखकर बहुत ही सरलता से बातें करें, वरना आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो जाएंगे। और आज अगर आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहां पर भी आपके वाद विवाद संभव हैं। और जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी भी ये तलाश आज के दिन पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर आज आप प्रपोज करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो आज आप बचें इसके लिए तो बढ़िया रहेगा। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोग वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कनेक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन आज आपका साथी हाँ नहीं बोलेगा, यानी आपको आसानी से माफ़ नहीं कर पाएगा आज के दिन। इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक संबंध मीन राशि वालों के सामान्य रहेंगे, बस आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा, जीवन साथी से वाद विवाद से बचना होगा। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी गलत फहमी ना पालें, वाणी पर बिल्कुल संयम रखकर चलें, क्रोध ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम आज के दिन देखने को नहीं मिलेंगे। आज आपका साथी आपके दूसरे संबंधों को लेकर सवाल कर सकता है और उसके सामने कोई और संबंध भी आपका खुल सकता है अगर है तो, और फिर आपका वाद विवाद हो सकता है। अगर नहीं है तो भी आपका साथी आज के दिन आप पर शंका बहुत कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आज के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।